हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, अगर आप भी किचन वेस्ट की कंपोस्टिंग करते हैं, किचन वेस्ट की, तो इसके लिए देखिए आप और आपकी कंपोस्ट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो मेरा ये टिप आप फॉलो करिए, आपकी कंपोस्ट में भी कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे, जिस तरह मेरे में कभी नहीं पड़ते, मैंने आपको दिखाया भी है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए ये बॉक्स है और इसमें देखें मैं अपनी सारी कंपोस्ट रखती हूँ। क्या होता है, ये एक केक का डिब्बा है, आप किसी भी तरह का ले सकते हो, कार्डबोर्ड का बस होना चाहिए वो, और इस तरह दफ्ती का डिब्बा हो और उसको आप ले लीजिए। और इस डिब्बे में क्या होता है कि जब मॉइस्चर इसका होता है ना, हमारे किचन वेस्ट का, ये देखिए इस तरह से, ऐसा कोई भी बॉक्स आप ले लीजिए जो आपके घर में आप फेंक देते हो यूज़ के बाद, ये देखें, और इसमें मॉइस्चर भी, ये देखिए, इसका मेंटेन रखता है, वो ख़त्म करता रहता है, खुद में सोखता है, और साथ में धूप निकलती है तो धूप में बस मैं इसको क्या करती हूँ, इस तरह खोल के और इसको धूप में रख देती हूँ, और इवनिंग टाइम पे बस इसको इस तरह से ढककर साइड में रख देती हूँ बस। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा, हमारा ये किचन वेस्ट वगैरह, जो भी हमारे फल सब्जियों के छिलके, सिर्फ इसमें पका हुआ कोई खाना नहीं डालना है फ्रेंड्स, रोटी और ब्रेड अन्न नहीं डालना है कोई, और इस तरह से आप इसको रखिए, और आपकी भी किचन वेस्ट में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे अगर आप धूप दिखा देते हो एक बार। और अगर धूप नहीं आती है तो भी आप इसको रखिए, ओपन करके इसमें पहले रखिए, थोड़ा सा सूख जाएगा मॉइस्चर, ये सोक करता है ये, उसके बाद आप अगर अपनी किचन वेस्ट तैयार करते हो तो आपका कभी भी कीड़ा नहीं पड़ेगा। तो आप इन बॉक्सेस को फेंकिए नहीं, और इनको रखिए अपनी किचन वेस्ट बनाने के लिए। मैंने आपको दिखाया मेरे किचन वेस्ट में कभी कीड़े नहीं होते हैं, इसीलिए, क्योंकि मैं हमेशा धूप भी दिखा देती हूँ और हमेशा इसी में रखती हूँ। और फ़ायदा इसका ये होता है, देखिए बास्केट में ये थोड़ा जो छोटा छोटा पार्ट है हमारा वेस्ट का, ये सब गिरता रहता है तो वो गंदा भी होता है, और प्लस ये इन्वायरमेंट में ये कूड़ा कचरा नहीं फैलता है, ये हम खुद यूज़ कर रहे हैं, और जब ये यूज़ हो जाएगा, थोड़ा सा ख़राब सा होने लगे, तो आप इसको भी तोड़कर अपने कंपोस्ट बिन में डालिए। मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, वीडियो में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से हम कार्डबोर्ड और पेपर का भी यूज़ करते हैं, खाद बन जाता है, कार्बन का काम करता है, ये सब कार्बन बन जाता है, कार्बन भी खाद होती है जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है। तो इस तरह से आप इन बॉक्सेस को यूज़ करिए और अपने किचन वेस्ट को खूब अच्छे से बनाइए, जिसमें कि ना ही स्मेल आएगी, कोई बदबू नहीं आएगी और ना ही कोई कीड़ा होगा। तो इस तरह से मेरा ये टिप फॉलो करके देखिए फ्रेंड्स, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और इन बॉक्सेस को वेस्ट समझकर मत फेंकिए, इनका यूज़ करिए। बस आज की यही टिप थी आपके लिए, और एक प्यारा सा गजानिया फ्लावर दिखाते हुए वीडियो को बंद कर रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है, तो ज़रूर लगाइए, विंटर प्लांट जो हमारे हैं बहुत ही चीप प्राइस में ये मिल जाते हैं, 15 से 20 रुपये, अभी अभी तो 20 का है ये, और अभी आगे 15 का मिलने लगेगा जब ये बहुत ज़्यादा आ जाएंगे मार्केट में, और अभी तो शुरुआत है, तो 20-25 आपका जैसा एरिया हो, मैंने 20 का ही लिया है। तो देखिए 20 रुपये में ये इतना पैसा वसूल, प्लांट्स होते हैं विंटर के, आपके अप्रैल कभी कभी रह जाएगा तो मई जून तक भी ये रहेगा, बारिश में जाएगा, सिर्फ बारिश से बचाना होता है, क्योंकि ये मई तक आपको, जून तक फ्लावरिंग इसी तरह देगा, अभी ये बड़े बड़े होंगे तब ये हैवी फ्लावरिंग भी करेंगे। तो ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स, और इन बॉक्सेस का भी यूज़ करिए। सो बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, मेरे साथ जुड़े रहिए, और आपको हमेशा मैं कम बजट में और स्मार्ट गार्डनिंग सिखा रही हूँ, और अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर मेरे टिप फॉलो करिए, और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, आपको बिग लाइट, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।